जब पार्टीशन हुआ तो मेरे जो मदर की फैमिली है उनके भाई मेरे मामा जो थे वो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे और दूसरे भाई भी किसी जगह पे पढ़ाते थे एंड दे उनको ऑप्शन मिला था पाकिस्तान जाने का, तो पहले बड़े भाई पाकिस्तान चले गए थे, बाकी ख़ानदान को बाद में आना था। उनके ऊपर कहीं हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने किसी के घर में शरण ली, लेकिन फाइनली वो जो पुराने किले का जो रेफ्यूजी कैंप था उसमें मेरे नाना और नानी और जितने भी मेरे मदर और बाकी सिबलिंग्स थे वो उसके अंदर रुके थे। उस दौरान में जो मुझे मेरी माँ से कहानियाँ सुनने को मिली कि बेहद बारिशें थीं जगह वगैरह वगैरह, वो तो जो हर रिलीफ कैंप में होता है, लेकिन उनको फिर एक ट्रेन जो लाहौर जा रही थी उसमें उनको जाना था और उनके भाई को मालूम था कि इस ट्रेन से ये आने वाले हैं। जब ट्रेन वहाँ पहुँची तो वो पूरी ट्रेन कट चुकी थी, उसमें कोई भी नहीं बचा था। और जो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे मामू ने एक एक लाश को जाके ख़ुद चेक किया कि कहीं मेरा ख़ानदान मिल जाए, और वहाँ उन लाशों में भी जब कोई नहीं मिला तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें मालूम भी नहीं था, वो ज़माना कोई इंटरनेट टेलीफोन का भी नहीं था, तो उन्होंने वहाँ से एक पोस्ट कार्ड लिखा गांधी को, और शायद उस पर गांधी हिंदुस्तान ही लिखा होगा, एड्रेस क्या लिखा होगा वो मुझे नहीं पता। और उस पोस्ट कार्ड का उनके पास जवाब पहुंचा। ये अपने आप में मुझे आज तक भी बहुत हैरान करती है बात। उन्होंने सिर्फ नाम बताया था अपने ख़ानदान का, ये कहा था कि उनको इस ट्रेन पे बैठना था और वो यहाँ नहीं पहुँचे। गांधी ने वो पूरी मालूमात हासिल की और उनको जवाब लिखा कि उस ट्रेन में वो पुराने किले के शिविर से निकले, लेकिन उनकी ट्रेन छूट गई, वापस वो शिविर में उनको एंट्री नहीं मिली, तो उसके बाद वो कहीं और गए, वो मुझे याद नहीं अब वो कहाँ गए, और उसके बाद फिर वो अब नेक्स्ट ट्रेन जो भी आने वाली थी उस पर वो आएंगे, उस पर वो आने वाले हैं और वो लाहौर पहुँचेंगे। ये इन्फॉर्मेशन ऐसे हालात में जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई हो, जहाँ इधर से उधर बिल्कुल मतलब जो हालात थे पार्टीशन के, उसमें गांधी का पर्सनली एक एक छोटे छोटे चीज़ों पे ये ध्यान देना, मालूम करना, ये एक बहुत बहुत बड़ा कोई शख्स जो है वही कर सकता है। लेनिन की तरह से, मार्क्स की तरह से, एंजल्स की तरह से, अंबेडकर की तरह से, वो केवल भाषण नहीं कर रहे थे। आजकल तो बहुत सारे नेता हैं जो, और या बहुत सारे अपने आप को हिंदुत्व के दार्शनिक कहते हैं, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। वो कहते हैं हम पेन रखते ही नहीं थे, उनके बारे में जब उनकी जीवनियाँ लिखी जा रही हैं वो पेन रखते ही नहीं थे, वो जो बोल देते थे वो गीता हो जाती थी, वो बाइबल हो जाती थी, वो कुरान हो जाता था। तो ये ऐसे ने बहुत लिखा है, बहुत पढ़ा है, किस तरह से चिट्ठियों का खुद जवाब देते थे, अद्भुत है। तो वैचारिक तौर पर आप उनके विचारों से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन उनके विचार तो थे और उस पर लड़ते थे। गांधी को अपना ब्रह्मचर्य कायम रखने के लिए कितना अपने साथ संघर्ष करना पड़ा। अगर गांधी के आप अपने मित्रों को लेकर पत्र पढ़ें तो आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गांधी जी क्या लिख रहे हैं। एक पत्र में वो लिखते हैं कि वो आज एक बम्बई से एक महिला मुझसे मिलने के लिए आई और आके मतलब जो है वो मेरे पैर उसने पकड़ लिए और पैर दबाने लगी, तो मैं अपनी शारीरिक उत्तेजना पर काबू नहीं कर रख पाया, मुझे लगा कि मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा और मुझे बहुत अपने ऊपर शर्म आई। ये आदमी खुद ही लिख रहा है अपने बारे में, क्योंकि उनकी जो आत्मकथा है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, वो उनके पूरे जीवन की आत्मकथा नहीं है, वो उनके वो तो जब वो 40s में थे तभी तक की बातें बताती है। एक किस्सा है जो बहुत कम लोगों को पता है, मेरे अपने इलाके का, इसलिए मैं जानता हूँ। सन 1947 की बात है, देश में दंगे हो रहे थे, भयानक दंगे चल रहे थे उस वक्त, और ये जो दिल्ली के इर्द गिर्द मेवात का इलाका है, यहाँ के मुसलमानों को दो तीन तरफ से, भरतपुर, अलवर, सब तरफ से घेर लिया गया था, और वो छोड़ के जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, पैदल जा रहे थे। ऐसे में कई नेता गांधी के पास पहुँचे और कहा कि आप अगर बोलेंगे तो वो रुक जाएंगे। तो 18 दिसंबर 1947 को गांधी मेवात जाते हैं, घासेड़ा, और वहाँ पूरे इलाके के मेव इकट्ठे होते हैं। गांधी उनके सामने अपनी बात रखते हैं
उनके जरिए से संदेश देते हैं पूरे मेरे समाज को। गांधी कहते हैं ये आपका देश है, ये आपके पुरखों का देश है, आपको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, आप वापस आ जाओ इस देश में। वो जानते हैं कि लोग बहुत दूर तक जा चुके थे, गांधी उन्हें वापस बुलाते हैं। और उस माहौल में भी आप सोचिए, उस वक्त हिंसा है, गांधी उनका समर्थन करने के लिए गए हैं, वहाँ भी गांधी उनके बारे में चिकनी चुपड़ी बात नहीं कहते हैं। उस माहौल में भी गांधी कहते हैं, वैसे मैंने सुना है आपके कई लोग हिंसा बदमाशी गुंडागर्दी का काम करते हैं और आपको मेरी सलाह है कि आगे से ये काम बंद कर दो। और आज के नेता कितनी चिकनी चुपड़ी बात करते हैं जिसका कोई असर लोगों पे नहीं होता। और गांधी की ये खुरदरी बात सुन के 70,000 मील पैदल वापस आए, वो लगभग पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गए थे, वहाँ से वापस आए। सिर्फ वापस नहीं आए, गांधी ने उन अपने साथियों को वहाँ लगाया, एक एक का घर ढूंढ के उसे वापस बसाया। ये हमारे देश के पार्टीशन की हिस्ट्री का एक अनूठा चैप्टर है।